तो अब हम यहाँ पे बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें से कोई भी एक एंगल मैं 90 का पुट कर दूंगी, क्योंकि हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल इसमें कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मतलब 90 को दूसरे साइड पे ले जाए नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 तो 90, तो मतलब क्या हुआ, बाकी दो एंगल्स जो होंगे उनका सम जब आप करेंगे वो 90 होंगे। तो मतलब कम्बिनेशन यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, मतलब एक एंगल उसमें 45, दूसरा भी 45, 90 हो गया, ये भी हो सकता है। अगर एक 60 हो गया, दूसरा 30 हो गया, ये भी हो सकता है। कहने का ये मतलब है बाकी दो जो एंगल्स आपके पास बचेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, उन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये बात, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपकी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे ये वाला आपका इन जनरल है, कोई भी किसी भी टाइप के आप ट्रायंगल ले लें, चाहे उनमें तीनों जो हैं आपके एंगल्स जो हैं तीनों में से कोई भी एंगल 90 का नहीं है, तब ये आप यूज़ करेंगे। बट जब हम राइट की बात करेंगे उसके अंदर आप बेहतर होगा तो इसको फार्मूले को यूज़ करें। क्लियर हुआ? तो इसका यह मतलब हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री फिक्स होता है, बाकी रह गए दो एंगल्स। तो उन दो एंगल्स में से एक एंगल अगर आपको गिवन हो तो बड़ा इजीली आप इसको यूज़ करके बाकी का एंगल जो थर्ड वाला है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बोल दूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल जो है आपका वो 30 डिग्री है, तो उसका थर्ड एंगल जो है वो आप फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे, इसी के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे कि एक अल्फ़ा प्लस, किसी को भी अल्फ़ा बीटा नेम दे दें, बाकी का हमें 30 की ना इक्वल 90। तो आप यहाँ से 90 माइनस 30 करेंगे तो मतलब थर्ड एंगल आपको वो 60 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो मसला आपका कब आता है, जब आपकी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, उसमें आपको फिर दो एंगल्स गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी एंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना होती तो फिर आपको दो एंगल्स गिवन होते, थर्ड आपने फाइंड करना होता, तो फिर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करते, बड़ा इसलिए हो जाता। बट राइट एंगल ट्रायंगल की यही अच्छी बात है कि इसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, अब आ जाएं आप साइड्स पे। तो साइड्स के अंदर सबसे पहले तो ये देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल आपका 90 के होता है, 90 के इक्वल होता है, उसके बिल्कुल सामने वाला जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं ले रही हूँ, मतलब ये एंगल थीटा मैं इसके रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, तो इसके सामने जो इसके अपोजिट होगा उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, और जहाँ पे दोनों एंगल्स ड्रा होते हैं उसको हम यहाँ पे बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को मैं ऐसे कर दूँ, मैं बोलूँ ये मेरा राइट है और इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपने लेना है, अब क्या होगा, अब इसके सामने वाला आपको पता है क्या होता है, एच। और मैंने आपको बताया जहाँ पे दो एंगल्स ड्रा होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, बी, मतलब ये आपकी बेस हो गई। और इस एंगल, जिस एंगल के 90 के अलावा जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आप नेम यहाँ पे देना सीखें, आप यहाँ पे ट्रायंगल को रोटेट कर लें जिस भी तरह से आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल देखें ऐसे गिवन हो कि ये आपकी ट्रायंगल है, मैं बोलूँ ये हमारा 90 डिग्री है और मैं कहती हूँ इसके रिस्पेक्ट में आप लें, चलें इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो ये एंगल थीटा है। सबसे पहले देखें जो एंगल 90 है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, जहाँ पे दो एंगल्स ड्रा है वो आपकी बेस होगी, या जो बाकी बच जाए या एंगल थीटा जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसके सामने वाला जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप यहाँ पे जो बेसिकली तीन साइड्स हैं इनको बड़ा इजीली यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। अब बात आती है कि आपको अगर मैं दो साइड्स दे दूँ, वहाँ से मैं आपसे पूछूँ कि आप इसका एंगल जो है एंगल थीटा फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा उसके लिए हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हैं, कोसाइन थीटा के लिए यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये आपने याद रखना। अब ये आए कहाँ से हैं, ये सारी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, आज के लेक्चर में जस्ट आप इनको याद करके इनको जस्ट हमने यहाँ पर यूज़ करना है अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इसके अंदर देखें हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले तो मैंने किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल दे दिया तो बाकी के दोनों एंगल्स आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि राइट के अंदर एक तो 90 होता है, दूसरा आप इस फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक एंगल गिवन हो बाकी के दो एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको मतलब एंगल मैं दे रही हूँ, एंगल ही फाइंड करना, उसके लिए ये फार्मूला था। अगर मैं आपको साइड्स दे दूँ, मैं कोई सी दो साइड्स दे दूँ और मैं आपसे एंगल पूछूँ, तो वो आप इजीली कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको पी और बी दे दूँ, मतलब मैं आपको परपेंडिकुलर बेस दे दूँ, मैं आपसे पूछूँ इसका रिस्पेक्टेड एंगल जो है वो आप फाइंड करें, या ऐसे भी हो सकता है जस्ट ओनली आपको यहाँ पर दो साइड्स गिवन हूँ,
बाकी की साइड्स भी फाइंड करनी है, बाकी के एंगल्स भी फाइंड करने, तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पॉसिबल है कि आप उसको फाइंड कर पाएँ। बट जैसे आपकी ओब्लिक ट्रायंगल आएगी उसके अंदर आपको मस्ट थ्री, आपको मस्ट तीन चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर होंगी, मतलब कोई सी तीन चीज़ें आपको गिवन होंगी तभी जाके आप फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर दो। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे दो हमें साइड्स गिवन है, तो मतलब यहाँ पे एंगल इनफेक्ट हमें गिवन है क्योंकि एक एंगल 90 होता है ये हमें पता है, तो थर्ड ऑब्वियसली हमारे पास आ जाती है, क्लियर है। तो अच्छा अब मैं आपको परपेंडिकुलर बेस दे दूँ, मैं आपसे बाकी की चीज़ें पूछूँ तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखें परपेंडिकुलर बेस किस फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है, तो देखें इसमें टैन में यूज़ हो रहा है, तो टैन थीटा इक्वल पी बाय क्यू, यहाँ पे पी बाय बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस आपको गिवन है, जो भी आपको यहाँ पे गिवन है आप इसको फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 बोल दूँ, इसको मैं 3 बोल दूँ, तो आप क्या करेंगे 5/3 यहाँ पे टैन थीटा, तो यहाँ पे आप थीटा फाइंड करें तो इधर आके टैन इनवर्स 5/3 आएगा। तो अगेन वही बात, देखें ये फार्मूलाज बताना करवाना मेरा पर्पस था, जस्ट मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ कि आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाए, बट इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5/3 है तो आपके यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, तो जस्ट आप इन फार्मूलाज को याद रख लें, इनकी कंस्ट्रक्शन समझ लें, इससे रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर, मतलब कुछ इस तरह फार्मूलाज ही एज इट इज़ पूछे जाएँ तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी आपको दो साइड्स गिवन हो आप क्या करते हैं, यहाँ से एंगल थीटा फाइंड कर पाएंगे। अच्छा उसके अलावा देखिए अगर दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो आप जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं इसके अंदर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमें पता होते हैं कि 90। अब देखिए मैं इस तरह ट्रायंगल ड्रा करूँ तो इसके अंदर कोई एंगल 90 का नहीं है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा, तो आपका पैथागोरस थ्योरम इसमें फेल होगा। तो जब भी आपको दो साइड्स गिवन होगी तो आप वहाँ से थर्ड वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको मतलब पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसमें से कोई सी भी मैं दो साइड्स दे दूँ, थर्ड साइड आप बड़ा इजीली यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। अच्छा अब जब दो साइड्स गिवन है तो यहाँ से हमने थर्ड साइड यहाँ से फाइंड कर ली, अब दो साइड से हमने एक एंगल भी फाइंड कर लिया, तो एक एंगल फॉर एग्जांपल वो मेरा कितना आ रहा है 50 डिग्री आ रहा है मैंने जो फाइंड किया। अब राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से सेकेंड एंगल आपको पहले से ही पता है 90 होता है, तो हमने इसको कितना बनाना है 180 बनाना है, तो मतलब इसके अंदर मैं 30 को ऐड अप कर दूँ तो 30+50 यहाँ पे 40 को ऐड करना पड़ेगा, तो 40+50 90 हो जाएगा, 90+90 तो 180 हो जाएगा। या आप सिंपल इसको ऐसे करें कि 90+50 इक्वल है 180 प्लस यहाँ पे अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड अप करके इधर ले जाएं तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा आ जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि हमें जब दो साइड्स गिवन होगी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बाकी सारी चीज़ें फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। बट मैं यहाँ पे अगर ओब्लिक ट्रायंगल की बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये आपकी ट्रायंगल लेती हूँ, तो इसके अंदर कोई एंगल 90 डिग्री का है नहीं, ये हमारा फेल हो जाएगा, और इसको अगर मैं देखूँ तो ये हमारा ठीक है, ये इसके अंदर होल्ड कर देगा, क्योंकि किसी भी टाइप के ट्रायंगल लें उसके अंदर थ्री एंगल्स का जो सम आपके पास होता है वो हमेशा 180 डिग्री, तो ये तो आपका होल्ड कर जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एंगल्स, अब यहाँ पे दो एंगल्स चाहिए होंगे क्योंकि इसके अंदर हमें एक एंगल चाहिए होता है, एक हमें पता होता है, थर्ड हम फाइंड करें, बट इसके अंदर कोई भी हमें यहाँ पे एक्चुअल में पता नहीं है कि कितना होगा, तो यहाँ पे मस्ट आपको टू एंगल्स गिवन होंगे, थर्ड एंगल आपको फाइंड करना होगा। अच्छा अब ऐसे भी हो सकता है कि एक एंगल गिवन हो, दो साइड्स आपको गिवन हो, मतलब इन छह चीज़ों में से कोई सी तीन गिवन होगी, आप बाकी की तीन इजीली फाइंड करेंगे, तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन, क्लियर है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा एक और बात भी इसमें देख लें कि जो लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस होंगे, तो लॉ ऑफ टेंजेंट होंगे ये सारे, ये वैसे इंट्रोड्यूस किस लिए करवाएंगे, ओब्लिक ट्राइंगल के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें एंगल का आइडिया नहीं होता कि 90 डिग्री इसमें कौन सा है, 90 डिग्री इनफैक्ट इसमें होता ही नहीं है, तो ये भी फेल हो जाते हैं। तो मतलब जो हम वहाँ पे ये सारे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन और कोसाइन, ये वैसे इन ट्रायंगल पे होल्ड करते हैं, बट ये इस ट्रायंगल पे भी होल्ड कर जाते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होल्ड कर जाते हैं, बट जो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूलाज हैं वो ओब्लिक के अंदर होल्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इसके अंदर ना हाइपोटेन्यूज होता है, ना बेस होता है, ना परपेंडिकुलर। और अगर मैं इन फार्मूलाज की बात करूँ तो इसमें तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई है,
तो ऑब्वियसली अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो उसके अंदर भी ये ओब्लिक वाले सारे फार्मूलाज होल्ड कर जाएंगे। तो मे बी फिलहाल ये बात आपको क्लियर ना हुई हो, तो जब हम ओब्लिक ट्राइंगल को पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।